कहाँ पे गया वो? सुन, सारे सीसीटीवी कैमरा की रेंज से बाहर गया है वो लड़का मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। जा पकड़। इस बार तो गोली पांव को छूकर निकल गई। अगर अगली बार होशियारी की ना, जान ले लूंगा। मेरा भी जस्सी कहाँ है? हथकड़ी तोड़ी थी, फिर स्नाइपर आया, वो अलग डायरेक्शन में भागी, मैं अलग डायरेक्शन में भागा, फिर तू आया। रिया कहाँ है? हथकड़ी खोल के उसको भी ले गए। मॉक किडनैपिंग भी, मेरे को उसको छुड़ाना ये अगला टास्क है। नहीं चल, मॉक किडनैपिंग नहीं है, हमें रघुराम जी मिले थे, उन्हें गोली लगी थी, मरते उन्होंने यही कहा कि खतरा है, सुमित सर की जान को खतरा, बचा लो। ये क्या मर सुमित सर की जान, क्या क्या बोल रहा है तू? चल चल के सुमित सर को ढूंढते आ जा। नीरज, नीरज किधर है तू? वहीं रुक, मैं आता हूँ। वो यहाँ आ सकता है, इसका क्या करें? मैं कुछ करता हूँ। एक तारे दी गल कोई बैठ के हाथ संभाल के भाई, एक तो बीवी ने मेरी ध्यान किते है। निक्की की हुआ है निक्की नू? कोई तो कल है कुलविंदर जी, कैसे बात कर रही थी, घर से ही बाहर निकाल दिया उसने तो, ऐसे तो कभी नहीं पेश आई वो। रिया ठीक है, जैसे मैं बोलूं वैसे करोगी तो आगे भी ठीक रहेगी, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। नीरज, नीरज, वो देख, लगता है किसी का घर है, चल आजा, मदद मिलेगी, आजा। भाई, it can be the other way round also. ये भी तो हो सकता है कि उन लोग का अड्डा हो। हाँ, वो तो सकता है। तो फिर एक काम करते हैं, आराम शांति से वहां तक जाते हैं, जगह का जायजा लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। आजा, चल, चल, आराम से, आराम से। वो सुमित सर, क्या हुआ? ये तो वही बंदा है जो हमारा पीछा कर रहा था और जो बार बार कह रहा था कि मेरे को मार देगा। सुमित सर के साथ क्या कर रहा है?
सर वो पता नहीं कहाँ गायब है, वॉकी टॉकी पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हेलो सर, कम इन। कम इन। सर मैं यहीं पर हूँ। अचानक वॉकी टॉकी का सिग्नल डाउन हो गया था, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या बात, यह मेरे कब्जे में, बस अब सिर्फ जस्सी और जोगी को पकड़ना है। किसी भी हालत में, समझा? जी सर। इसका मतलब इन सब का मास्टरमाइंड सुमित सर है। कोई गुरु तो भगवान का रूप होता है, गुरु ने धोखा दे दिया, ये सुमित सर ने। जस्सी पता नहीं अकेली कहां भटक रही होगी। एक और शक उठा लाए हो, सिमरन पेंजी ने आपसे ठीक से गल नहीं की थी, मतलब कोई गल है? स्कूल जाके बच्चों का वीडियो देख के आए आप, और की कर सकते हैं? कुलविंदर जी सुनो, वो आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़े हैं? वो प्रिंसिपल सर जी के घर ऐसे ऐन वक्त पे आग लग जाना, और मंत्री जी से भी तो कोई बात हो नहीं पाई ना। कहां से शौक पाल लिया ये जासूसी का है? एक जगह चैन से बैठोगे नहीं तो लगेगा कि हर तरफ से कोई ना कोई चैलेंज चल रहा है। और किसी की प्लानिंग नहीं थी, प्रिंसिपल साहब देखकर शॉर्ट सर्किट होया सी। मेरी गल हुई है उन्होंने, पर वो मिनिस्टर साहब से बात करने वाले थे, पर वो बिजी थे तो बात बात करेंगे। वो सोच समझ के रखता है कोई टीचर, वरना कोई बच्चों को ऐसे किसी के हवाले नहीं कर देता। सुमित पीछे पड़ गई, पर ठीक है, वो बात ही वो जो आर्मी की, अब उसको निकाला गया कि उसने खुद ने छोड़ दिया, वो की पता बंदा बदल भी तो सकता है कि नहीं? बदल के नहीं बदल सकता बंदा? मैंने नहीं पता कुलविंदर जी, हमें कोई आम बदमाश मत समझना। हर छोटी सी छोटी चीज प्लान है, हमारे बहुत बड़े प्लान का ना तुम एक छोटा सा हिस्सा हो। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो तुम अपनी बेटी से हाथ धो बैठो, हमें उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए अब जैसे मैं बोलूं वैसे करना, और हाँ किसी को भी हमारे प्लान की भनक नहीं लगनी चाहिए। आराम से यार, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है सुमित सर ने सब किया। हमसे क्या दुश्मनी यार उनकी? टेलिंग यू, आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता सिवाय अपने पेरेंट्स के। जोगी तू एक काम कर, तू बाहर जा, किसी को फोन कर, हेल्प लेके आ। देख मैं इस हालत में तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तुझे ही करना पड़ेगा, जा जल्दी जा। नहीं नहीं नहीं, मैं जस्सी और रिया को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। वो ध्यान से देख, हम लोग जंगल के बीचों बीच हैं। पीछे गया और बीच में ही पकड़ा गया तो? नहीं नहीं, अब तो आगे जाना पड़ेगा। लेकिन तू है ना, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे मेरे बीच में सुमित सर की सच्चाई का जो सीक्रेट है ना, वो तेरे और मेरे बीच में ही रहे। किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, तू जान के भी अनजान बनना। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर वालों को खबर तो करनी पड़ेगी ना। मान ले अगर सबको बचा भी ले, फिर भी इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? मेरे को नहीं पता, लेकिन इस वक्त मेरे को सिर्फ जस्सी, रिया, आबिद और एमी की पड़ी हुई है। वो चार किसी तरह से बाहर निकल जाए, बाकी सबकी उम्मीद तो बाबा जी पे ही है। बाबा जी आप ही कोई आइडिया दे दो।
सर क्या आप अकेले अकेले खा रहे हो? एक बाइट मिल जाता तो। एक बाइट तो थारे को तब मिले जब तू जीत के आए। सर हार जीत तो चलती रहती है ना, लेकिन रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। हाँ सर, आपने मुझे खोल दो, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। ए छोरी, सारे बताने या ना बताने से जे झूठ बात छुपे तो नहीं ना। तो यहाँ देख भी कौन रहा है, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी, डील। पर सर, मैं भागना चाहती थी ना, मैं भाग सकती थी, लेकिन मैं भागी नहीं, सिर्फ उस जोगी। आई मीन गेम के लिए सर। सर एक बाइट दे दो सर, बहुत भूख लग रही है, मैं गेम ही भूल जाऊंगी सर, प्लीज एक बाइट दे दो। खिला ले क्रिकेट, खिला ले, एक बार तेरा पर्दा फाश हो जाए फिर मैं भी देखता हूँ क्या खिलाएगा तू। जस्सी है यार ये तो। ओए लवली मैन, तुम मिल गए। ओ रघुराम जी को गोली लगी है, तुम्हें तो किडनैप हो चुके हैं, और वो स्नाइपर भी यहाँ पे। रिया, वीरे, वो आदित्य भी चला गया, मिली नहीं रहा कब से। तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? नाइस एक्टिंग चीटा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पार्टनर भाग गया इसलिए तुम हम दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर सकोगी? नहीं, यू नो व्हाट, स्टोरीज बनाना बंद करो, क्योंकि ये राउंड हम दोनों ही जीतेंगे। मैं की स्टोरीज बनाऊंगी, तुम लोग को चाहिए मैं तुम लोग को दिखा भी सकती हूँ, चलो मेरे साथ। या या, वो सुमेधा को किडनैप कर लिया है, फिर उनको गोली लग गई, और क्या क्या बोला था तुमने? हाँ, स्नाइपर भी यहाँ पर ही है ना। जस्ट यू नो व्हाट, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है तो तुम यहीं बैठ के रेस्ट करो। तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो चुकी हो। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम लोगों को प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, चलो मेरे साथ। सीरियसली एमी, इसकी हालत रोने जैसी हो गई है, एक बार चेक करके देख लेना चाहिए यार। शराब आबिद, तुम इसके प्लान में मत फंसो, ये एक्टिंग कर रही है और कुछ भी नहीं। अगर ये सब महाभारत यहाँ पर हो चुकी है तो इससे कुछ क्यों नहीं हुआ? और वैसे भी यहाँ पर सब जगह सीसीटीवी कैमराज है, अगर इतना सब कुछ हुआ तो सुमित सर या फिर स्कूल वालों को पता नहीं चला क्या? अरे कैमराज हैक हो चुके हैं, वहाँ पे गलत फुटेज जा रहा है, तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? हाउ कन्वीनियंट। देखो आबिद, ये कुछ नहीं, बस हमें हराना चाहती है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और रास्ता भी भटक गया। मैं आप दो, चलो जल्दी। अरे एमी आबिद, मेरी बात तो सुनो आबिद। एमी पापा जी, ये दोनों ही बच्चे थे, इन्होंने ही मेरी बात नहीं मानी है, सबको कैसे बचाऊं?
अबु, अमजद, शकील, सब लोग जल्दी आओ। भाई जाके देख को। जी देखिए सर, ये आग किसने लगाई? चल आदित्य, अब एक दो अच्छे काम भी करके दिखा। ले ले पहला सिग्नल। वहां टेंट के पास एक लड़का है, उधर देखो। ये वही लड़का है, चलो फिर साथ। चल आदित्य, ये है तेरा सिग्नल नंबर दो। जसी, लगता है यही पॉइंट भी है। मैंने आपके पास रुकता, तुम वहां से आओ। लगता है ये लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। चलो मेरे साथ। ये तो जैसे और आदित्य भी आ गए। स्टूपिड जोगी ने हरा दिया मुझे। पता नहीं कहाँ सो रहा होगा कुंभकर्ण। जो छोरिया ऐसा है ना कि जे मारे लिए ना सारे कॉम्पिटिटर सेम से, तुम्हारे को तो चेक तो करना ही पड़े। तो तू एक काम कर, तू इधर बैठ, मैं तेरा देख के आऊं। जस्सी और आदित्य इतना बवाल कैसे खड़ा कर रहे हैं? और पता लगाओ वॉकी टॉकी उनके हाथ में कैसा है। वाह, नींद खुल गई तुम्हारी। कितने में बिके घोड़े? तुम कहो तो सुमेध से कहेगी लस्सी मंगवा लो, यही पे लंबे हो जाना। और चुप करो वरना हम दोनों लंबे हो जाएंगे। ओ हेलो, एक तो तुम खुद लेट आए हो, ऊपर से मुझे चुप रहने को कह रहे हो। लिसन, मैं चाहती थी ना तो मैं भाग सकती थी, लेकिन मैं भागी नहीं, तो थैंक्स टू सुमेध सर। क्या? थैंक्स टू सुमेध सर? को पता नहीं है सुमेध सर उनके बंदे है ना, मिलकर पता नहीं तुमको क्या क्या भाई होशियार चंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.